हेलो एवरीवन, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल मूंग दाल हलवा, जो कि हम बिल्कुल इजी तरीके से कुछ ही मिनटों में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने ली है मूंग दाल। तो ये है, ये देखिए, एक कटोरी ली है मैंने मूंग दाल और एक कटोरी ली है मैंने चीनी और उसी के साथ साथ एक कटोरी ली है मैंने देसी घी और दो चम्मच लिया है मैंने सूजी और ये देखिए थोड़े से लिए हैं मैंने नट्स, इनके काजू और बादाम हैं, और एक कप लिया है मैंने पानी और एक कप लिया है मैंने दूध और हाफ कप लिया है मैंने पानी। तो चलिए, ये देखिए, अब हम सबसे पहले दाल को अच्छे से करेंगे वॉश। तो अच्छे से मसलते हुए हमें इसे वॉश करना है। ये देखिए, इस तरह से वॉश कर लिया है और अब हम इसको एक किचन टॉवल के ऊपर इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से, इसका जितना मॉइस्चर है उसे हमें सुखाना है। ये देखिए, अब मैंने एक चढ़ाई है कढ़ाई और अब हम अपने इन दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए, दाल अच्छे से भून चुकी है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें इसे भूना है। और ये देखिए, ये बिल्कुल, ये देखिए आवाज़ सुन सकते हैं आप उसकी, इसको ठंडा करके इसका हम दरदरा पाउडर बनाएंगे। ये देखिए, हमने इसका दरदरा पाउडर बना लिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए। तो चलिए, ये देखिए एक कढ़ाई ली है मैंने और इसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच घी और इसमें हम अपने ये नट्स को रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हम इनको निकाल लेते हैं और अब हम इसमें, ये देखिए सूजी, पहले हम सूजी को भून लेंगे। सूजी हमारी भुन चुकी है और हम इसमें ये डाल देंगे हम अपना दाल, और अब हम दाल की भी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से भुन चुकी है दाल और इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। और अब हम डालेंगे इस टाइम 1 कप दूध, तो दूध भी हम आराम आराम से डालेंगे। और इस टाइम हम डालेंगे इसमें, ये देखिए मैंने 2 चम्मच दूध में थोड़े से केसर डाल दिए थे, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हम ऑप्शनल है, मैंने इसे कलर के लिए डाला है इसमें। और अब हमें इसे अच्छे से इसको पकने देना है दूध के साथ। तो मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया और अब हम इसको फिर से भूनेंगे अच्छे से। देखिए, और इस टाइम हम डालेंगे अब इसमें चीनी। और अब हम इसको चीनी के साथ भुनेंगे। ये देखिए, इसे हमें अभी 2-4 मिनट के लिए और भूनना है। इस टाइम हम डाल देंगे अब इसमें ये नट्स।
और उसके साथ इसे हमें थोड़ा सा और भुनेंगे इसको हम। ये देखिए ऐसे दानेदार हलवा बनके हमारा तैयार है। बस इसको हम 2 मिनट के लिए और भुनेंगे। तो देखिए हलवे ने सारा जो घी है वो सारा रिलीज कर दिया है। ये देखिए तो ये देखिए हमारा मूंग दाल हलवा बनके तैयार है। आप इसे किसी भी ओकेजन पे बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।